हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल संदीप महतो व्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबको एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। एंड दोस्तों, आप आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, बेसिकली आज मैं अपने घर का टूर करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा घर पड़ता है जमशेदपुर के लगभग 20 से 15 किलोमीटर के अंदर में आता है। एंड दोस्तों, यहाँ की अगर बात करें तो ये हमारे राजनगर प्रखंड के गेंगेरोली पंचायत के अंतर्गत आता है। मेरा गांव का नाम बड़ा कुना बड़ा है, जो कि बहुत ही प्यारा गांव है। और दोस्तों, हमारे गांव में हर एक प्रकार की दुकानें हैं, यहाँ पे हर एक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि आपको अभी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आइए हमारे साथ, आपको मैं दर्शन करवाता हूँ। तो दोस्तों, ये जो आप दुकान देख रहे हैं, ये हमारे भाईजान का दुकान है, यानी कि यहाँ पे फुटवेयर का पूरा कलेक्शन मिलता है। तो आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये है हमारे फुटवेयर कलेक्शन के ऑनर मिस्टर संजय, जो कि इनका दुकान है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से चप्पल जूते का कलेक्शन रहता है और भाई यहाँ पे एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं। एंड गाइस, चलिए मैं आपको अगला दुकान दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये वाली जो दुकान देख रहे हैं, ये हमारे मोसा जी का दुकान है, जो कि अभी यहाँ पर नहीं है। और ये दुकान, यहाँ पे हम लोग एनी टाइम मतलब हर बार बाल वगैरह सेविंग करते हैं। तो फिर कभी अगर उनका मौका मिले तो मैं उनका दर्शन करवा दूंगा। एंड गाइस, वो तो अभी है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे अरुण जी का दुकान है, जहाँ पे फोटो वगैरह स्टूडियो है, यहाँ पे फोटो वगैरह फोटोकॉपी वगैरह किया जाता है। तो ये हमारे अरुण जी हैं। चलिए मैं आपको अगला दुकान में विजिट करवाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आते हैं हम लोग विश्वकर्मा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो गाइस, ये हमारे कृष्णा जी हैं, जो कि बहुत ही व्यस्त रहते हैं और गर्मी के दिन में खास तौर पे तो इनका बहुत ज्यादा काम रहता है। क्या कृष्णा जी, सही बोल रहे? सही है, बहुत ज्यादा काम रहता है। और यहाँ पे देख रहे हैं अभी क्या कर रहे हैं, फैन बना रहे हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के बहुत सारे फैसिलिटी उपलब्ध है। अगर आपका फैन खराब हो जाता तो हम लोग तुरंत यहाँ पे बनवा लेते हैं। एंड गाइस, चलिए मैं अगला दुकान दिखाता हूँ। गाइस, हमारे घर के सामने में एक इंग्लिश स्कूल है, जिसका नाम है रेनबो स्मार्ट स्कूल। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे छोटे छोटे बच्चे लोग पढ़ने के लिए आते हैं। और सामने में एक प्यारा सा टेलर है, जहाँ पर यहाँ पे देखिए हमारे दीदी जो है पूरा कपड़ा सिलाई करते हैं और दिन भर काफी मेहनत करते हैं। देखिए अभी भी अपना काम कर रहे हैं। थोड़ा हाई कर दीजिए इधर। चलिए दोस्तों, मैं अगला दुकान आपको विजिट करवाता हूँ। एंड गाइस, यहाँ पे अभी जो जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं, यहाँ पे तो मैं डेली चॉकलेट खाया करता हूँ। तो चलिए आप उनसे भेंट करवाता हूँ। और यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये हमारे आलोक भाई के दुकान है, जो कि ये पता नहीं अभी दुकान में है कि नहीं, चलिए देखते हैं। सो गाइस, अभी हमारे जो आलोक भाई है वो यहाँ पे नहीं है, उनके जो बेटे हैं वो यहाँ पे अभी दुकान संभाल रहे हैं। बताए अभी गर्मी की छुट्टी है, वो भी आए हुए हैं दुकान में। और गाइस, उनसे भी मैं बाद में भेंट करवा दूंगा। तो फिलहाल आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आइटम खाने का सामान वगैरह मिलता है। और चलिए मैं आगे आपको और दुकान। तो फाइनली गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूँ हमारे एसके सर के शॉप पर। और ये रहे हमारे एसके सर, जो कि बहुत ही बिजी हैं वीडियो एडिटिंग करने में। सो गाइस, मैं बता दूं, ये अभी वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, शादी का वीडियो वगैरह बनाते हैं। सो गाइस, अभी ये बहुत बिजी हैं, देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो बेसिकली उनसे थोड़ा सा बात करवा देते हैं। तो हाय संजय सर, कैसे हैं? तो चलिए, ये हमारे संजय सर है। आगे मैं और आपको दिखाता हूँ, सारा दुकान वेट करवाता हूँ। सो गाइस, अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक फैंसी स्टोर है, जिसका नाम है स्वीटी फैंसी स्टोर। और ये देखिए, यहाँ पे अभी हम लोग आ गए हैं स्वीटी फैंसी स्टोर में। एंड गाइस, यहाँ पे आपको शादी के लिए गिफ्ट्स वगैरह, चूड़ी चूड़ी वगैरह, जो भी सजने के संवरने का जो सामान रहता है, वो सारा कलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो ये रहा प्यारा सा दुकान। एंड दोस्तों, मैं आगे चलता हूँ, और एक दुकान है। सो फाइनली मैं अभी आ गया हूँ यहाँ पे हमारे चाचा जी का जो दुकान है, नंदी पेंटर। और यहाँ पे गाइस, रेडियम लेटर पेड ऑर्गेन वगैरह सारा चीज का क्लास वगैरह सारा करवाया जाता है। तो गाइस, ये रहा उनका शॉप। एंड दोस्तों, मैं एक खास बात आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो दुकान है वो आपको अभी मैं चेहरा उनका दिखाने जा रहा हूँ, जो की अभी कैमरामैन में है और वो वीडियो शूट कर रहे हैं। तो गाइस, मैं आपको अभी वीडियो से मैं उनका चेहरा थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये रहे हमारे चाचा जी और इन्हीं के बदौलत अभी ये वीडियो शूट हो रहा है। सो गाइस, चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड ये जो दुकान देख रहे हैं गाइज, ये है राजू फोटो स्टूडियो। और गाइज, ये हमारे चाचा जी का दुकान है, जिसका शादी अभी हाल फिलहाल में हुआ है। उसका वीडियो अभी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग अभी देख सकते हैं। सो गाइज, वो अभी यहाँ पे दुकान में है नहीं अवेलेबल, अगर वो आते हैं फिर कभी तो मैं उनका दर्शन आप लोगों को करवा देता हूँ। तो बेसिकली ये जो दुकान है, यहाँ पे बहुत सारे काम वगैरह होता है और यहाँ पे शादी का कार्ड वगैरह छपाया जाता है। एंड बहुत सारे काम होते हैं, जो कि मैं आपको वीडियो में अभी कॉन्सेप्ट में मतलब संक्षिप्त में बता रहा हूँ, फिर बाद में कभी मुलाकात करवा दूंगा पूरे डिटेल्स में। सो गाइस, वो अभी है नहीं। और खास बात बताने, ये जो दुकान है, इससे सट के बिल्कुल मेरा घर पड़ता है। तो चलिए अभी मैं अपना घर का
टूर करवाता हूँ। तो गाइस इन दुकान के सामने जस्ट सटा हुआ ये जो घर देख रहे हैं ये मेरा ही घर है। एंड गाइस मेरा घर घुसने से पहले मैं और एक दुकान आपको दिखा जो कि मेरे चाची जी बैठते हैं दुकान में। तो चलिए गाइस दुकान में आपको दर्शन करवाते हैं। सो फाइनली गाइज मैं अभी दुकान पहुंच चुका हूं और ये दुकान का नाम है रेशमी फैंसी स्टोर। एंड गाइज यहां पे दो दो फैंसी स्टोर है, कोई ना कोई आपको दिन में खुला तो मिल ही जाएंगे। सो गाइज यहां पे कभी भी आप लोग आ सकते हैं और अपने जो पसंद के चीज है वो यहां से ले सकते हैं। तो फाइनली ये जो दुकान है ये हमारी चाची जी का है और यहाँ पे देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के चूड़ी वगैरह और बिंदी वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप लोग कभी भी आ सकते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो चलिए फाइनली अभी मैं अपना घर का दर्शन करवाता हूँ। सो गाइज मैंने अभी जितने भी दुकान हमारे बाहर में उनका मैं सारा डिटेल्स में आप लोगों को व्यू दिखा दिया। एंड गाइज अभी मैं अपने घर का वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं हमारे घर में। सो फाइनली गाइज ये है हमारा प्यारा सा घर। एंड दोस्तों मैं थोड़ा सा लाइट जला देता हूँ और ये मेरा एक छोटा सा यहाँ बोर्ड है, यहाँ पे कभी कभी मैं बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ा करता हूँ। एंड दोस्तों मैं यहाँ पे अपना बाइक भी पार्क करता हूँ। सो गाइज चलिए अभी हमारे नेक्स्ट वाले घर में आप लोगों को बोलते हैं। गाइस ये हमारे सेकंड रूम है, यहाँ पे टीवी वगैरह रहता है और ये हमारे पापा जी हैं और ये हमारी नन्ही परी है जो कि खेल रही हैं। और गाइस अभी ये टीवी चल रहा है, अब यहाँ पे टीवी वगैरह प्रोग्राम देख रहे हैं। तो चलिए मैं आगे आप लोगों को अपना घर का पूरा दर्शन करवाता हूँ। तो दोस्तों चलिए अभी आते हैं हमारे ये अभी जैसे आप लोग मतलब बाहर से अभी अंदर आएंगे तो दो रूम को पार करने के बाद हमारा एक बरंडा मिलता है जो कि ये वाला प्यारा सा बरंडा है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पे बैठने उठने के लिए जगह है, यहाँ पे आराम से हम लोग बैठ के बात वगैरह करते हैं, यहाँ पे चेयर वगैरह लगाया जाता है, यहाँ पे आराम से दो विंडो खिड़की है जहाँ से पूरा आराम से हवा आता है। एक ये वाला विंडो है एंड गाइस एक ये वाला विंडो है, यहाँ से भी हवा आता है, बहुत ही मस्त हवा आता है। एंड दोस्तों यहाँ की सबसे खास बात मैं बताना चाहूंगा, जब मॉर्निंग का व्यू आता है तो गाइस बहुत ही कमाल का व्यू आता है। यहाँ से जो सनसेट मतलब सनराइज होता है और यहाँ का सन का जो पहला रे होता है गाइस ये घर पे सीधा यहाँ पे पड़ता है जो कि हमारा बेडरूम है। तो चलिए गाइस हमारे बेडरूम पे। और ये गाइस हमारा यहाँ पे बेडरूम है जो कि अभी सामान वगैरह हम लोग कॉलेज गए थे तो सामान वगैरह यहाँ पे रख दिए हैं जो कि अभी समेटा नहीं गया। तो फाइनली ये हमारा बेडरूम है, यहाँ पे हम लोग सोते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे मम्मी जी का फोटो यहाँ पे हम लोग दीवार में लगा कर रखे हैं। ये हमारी माता जी है जो कि एंड गाइज ये हमारी माता जी का फोटो है जो कि आज हमारे बीच नहीं है। सो एंड गाइज इस रूम के जस्ट बिल्कुल सामने में हमारा एक पूजा का रूम है जहाँ पे हम लोग सुबह और शाम को पूजा करते हैं, आरती किया जाता है। चलिए हम लोग इसका रूम इस रूम का भी दर्शन करवाते हैं। एंड गाइज यहाँ पे एक प्यारा सा लाइट है जो कि आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे हमारे जितने भी हैं सबका फोटो वगैरह यहाँ पे हम लोग पूजा वगैरह करते हैं। तो चलिए फाइनली मैं अपना और जितना भी घर है सबका दर्शन करवाता हूँ। एंड गाइज अभी मैं इंटर करने वाला हूँ अपने किचन पे जहाँ पे हमारे खाने के लिए भोजन बनता है। तो चलिए चलते हैं। और गाइज ये है हमारा प्यारा सा किचन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंडक्शन है, यहाँ पे बिजली से अगर कुछ पकाना होगा तो इससे हम लोग पका लेते हैं। एंड गाइज यहाँ पे गैस की सुविधा है, यहाँ पे गैस से भी बनाने का मतलब होगा तो हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पे मिट्टी का जो चूल्हा है गाइज यहाँ पे लकड़ी वगैरह से भी हम लोग यहाँ पे अपना भोजन पकाते हैं। और गाइज इससे आगे एक रूम है, इसके आगे एक रूम है जहाँ पे एक बेडरूम है, बेड है गाइज, वहाँ पे हमारे पापा जी कभी कभी सोया करते हैं, रेस्ट करते हैं। एंड गाइज फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ अपने आंगन में। और गाइज ये देखिए हमारा आंगन है और ये हमारा यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे हम लोग सुबह में पानी डालते हैं शाम को, और ये हमारा प्यारा सा बजरंगबली का झंडा। तो गाइज आप कमेंट करके बताइए जो हमारा घर है हमारे गांव में जो ये घर आपको कैसा लगा। एंड दोस्तों चलिए अभी बताते हैं ये घर है। एंड दोस्तों फाइनली मैं अभी अपना जो ये वाला घर है आपका इसका मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो गाइज ये हमारा पुराना बाइक है, इसको हम लोग चलाते फिलहाल अभी ये रखा हुआ क्योंकि अभी भाई भी अभी ड्यूटी किया हुआ है, वो अभी घर पे नहीं है तो ये अभी गाड़ी बंद रखा हुआ है। एंड गाइज यहाँ पे हमारे जितने भी मुर्गा मुर्गी है सभी इसी रूम पे रहते हैं। सो गाइज ये जितने भी अभी रूम आपने देखे हैं ये सभी हम लोग के जितने हमारे घर हैं। एंड गाइज ये सामने हमारे चाचा जी रहते हैं, यहाँ पे हमारी आंटी रहती है। एंड गाइज अभी हम लोग चलेंगे अपने मतलब घर के बाहर में, वहाँ पे एक छोटा सा बगान है वो भी आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए जल्दी फटाफट। सो गाइज फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपने बगान में। तो ये देखिए इतना बड़ा सा जो एरिया है यहाँ पे, पहले हम लोग सब्जी वगैरह उगाए थे लेकिन अभी पानी डालने का टाइम वगैरह मिलता नहीं है तो पूरा सूज गया है, और सूरज का रोशनी भी बहुत ज्यादा अभी ज्यादा तेज रहता है। तो गाइज अभी मतलब अभी नहीं उगा हुआ है। तो फाइनली अभी हम लोग कुछ टाइम बाद फिर प्लानिंग करेंगे। और यहाँ पे एक बगान है आप लोग देख सकते हैं जो कि बहुत ही मतलब साग वगैरह अपने घर के खाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। फाइनली ये जो आप लोग एंड गाइज यहाँ पे दूर दूर तक जो देख रहे हैं गाइज यहाँ पे हमारे जो खेती वगैरह है यहाँ पे हम लोग धान का कृषि करते हैं। सो फाइनली हमारे एक प्यारा सा नलकूप है उसको भी हम लोग दिखा रहे हैं।
गाइस ये हमारा प्यारा सा नलकूप है जिससे कि बहुत ही मीठे मीठे पानी आते हैं और हम लोग इसको पीते हैं। एंड गाइस फाइनली अभी मैं अपने घर के कुछ सदस्य जो बाहर में अभी टहल रहे हैं हवा खा रहे हैं उनसे मैं मुलाकात करवाता हूँ। सो फाइनली गाइस ये हमारी वाइफ है, आप लोग देख सकते हैं, हाई कर दीजिए। तो और ये हमारी चाची जी हैं जो कि नन्ही परी को अभी खेलने के लिए बाहर लेकर के आए हैं। तो गाइस हाई कर दीजिए। हाई कर दीजिए। तो अभी हम लोग घर में थोड़ा सा मतलब ज्यादा धूप है तो फाइनली अभी यहाँ बाहर में निकल के थोड़ा बहुत हवा खा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए नीम का जो पेड़ है, बहुत ही अच्छा अच्छा हवा यहाँ पे आता है गाइस, एकदम पूरा मीठा मीठा हवा। सो गाइज ये था हमारा घर एंड ये हमारा जो आंगन और ये आंगन के पीछे वाला जो एरिया है सब मैंने आज इस वीडियो में दिखा दिया। गाइज आप सबको ये वीडियो कैसा लगा एंड गांव में हमारा ये जो प्यारा सा घर है वो आप सबको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों अगर आप लोग कभी भी इधर आते हैं तो जरूर हमसे मिलिएगा क्योंकि हमारा घर बिल्कुल रोड के सामने में पड़ता है। एंड दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज अपने भाई के इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सुनिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड दोस्तों सामने लगे लाल रंग के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमें जाने की इजाजत दें। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।